अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन शेफ राणा इंटरनेशनल। और आज आप बनाने लगे हैं फ्रेश सैलड की रेसिपी, के फ्रेश सैलड कैसे बनता है। सबसे पहले हमने ये प्याज की कटिंग मैंने पहले कर दिया था कि टाइम बच जाए। ये प्याज को हमने प्लेट के सेंटर में लगाना है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे इसको मैंने वॉश करके रख लिया। इसके बाद हमने यहाँ पे एक स्लाइस लगाया इसका, और इसके ऊपर इसका टमाटर, फिर टमाटर, और फिर ये इसी तरह, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही लगाना आपने, ऐसे ही, ठीक, इसी तरह आप लगाते जाए। और ये देखें, ये मैंने कटिंग करके रखी थी, इसलिए मैंने कहा टाइम बच जाए, तो ये देखें, इसी तरह हमने इसको लगाते जाना है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइस ये देखें, ये हमने इसको ऐसे कर लिया, ठीक है। अब हमने इनको ऐसे कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये यहाँ पे स्लाइस एक ऐसे लग जाएगा, और सेम इसी तरह हमने ये जो टमाटर का स्लाइस यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे हम खीरे का लगाएंगे, फिर यहाँ पे खीरे का लगाएंगे, ठीक है। अब ये जो हमारे पास सेंटर में जगह बची है, यहाँ पर आएगा लेमन, ठीक हो गया। और लेमन के साथ ये ग्रीन चिली जो है, ये इसको ऐसे लगाएंगे हम, ठीक हो गया, ऐसे। और ग्रीन चिल्ली को आप एक यहाँ पे ऐसा खड़ा भी कर सकते हैं इनको साथ ऐसे, ठीक हो गया। यहाँ पे इसको प्याज के साथ ऐसे सपोर्ट इसको मिल जाएगी, ठीक हो गया। अब हमने इस पर, ये हमारे पास पुदीना पड़ा है, ठीक है, पुदीने का फूल को आप इसमें यहाँ पे ऐसे लगा दें तो ये लग जाएगा जी, ठीक हो गया। एक और हमारे पास ये छोटा छोटा सा हमने रखा है, इसको यहाँ पर लगा दें तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब ये देखिए हमारा फ्रेश सैलड माशाल्लाह, और इसकी लुक और कितना खूबसूरत लग जाए। और आप लोग घरों में ऐसे ही बनाए, रेस्टोरेंटों में भी आपने देखा है कि ऐसे ही दिया जाता है, ठीक हो गया। अगर एक्स्ट्रा लेमन हो तो फिर यहाँ पे ये लगा देना चाहिए, बाद लोग ज़्यादा लेमन शामिल कर दें, ठीक हो गया। हमारा फ्रेश सैलड अब रेडी हो चुके हैं। ओके हाफिज़, अगर आप लोग न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी नेक्स्ट नई वीडियो अब तक पहुँच सके। और मैं इंशाल्लाह ताला नए नए सैलड, नए स्वीट्स इंटरनेशनल जो हैं वो आप लोगों के पास बनाकर पहुंचाता रहूँगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके अल्लाह हाफिज़।